William Shakespeare Sonnets. There are 10 important questions जो यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट से रेज किए हैं. क्वेश्चन वन, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट, शेक्सपियर के बारे में अहम तरीन चीज़ ये है दैट ही इज़ रियली वेरी गुड सोनेटर, कि वो वाकई बहुत अच्छा सोनेटर है. सेड रॉबर्ट ग्रेव्स, डिस्कस 2017 US. क्वेश्चन टू, वॉट इज अ सोनेट, सोनेट क्या है, एक्सप्लेन द राइम स्कीम इन अ सोनेट, किसी एक सोनेट की राइम स्कीम बताइए. वॉट आर द रिमार्केबल आइडियाज इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के सोनेट्स में कौन सी चीज़ रिमार्केबल है, अच्छी है, कमाल है. 2015. क्वेश्चन थ्री, डिस्कस द शेक्सपियरियन मूड्स एंड थीम्स इन सोनेट्स, थीम्स बताइए, शेक्सपियर के मूड्स बताइए. 2016. क्वेश्चन फोर, ट्रेस आउट द एलिमेंट्स ऑफ लव इन शेक्सपियर सोनेट्स. 2014. शेक्सपियर के सोनेट्स में लव के एलिमेंट्स डिस्कस कीजिए, तराशिए, निकालिए. क्वेश्चन फाइव, ब्रिंग आउट द थीम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी 2013. शेक्सपियर के सोनेट्स के थीम बताने हैं, वो सोनेट्स जो आपके कोर्स में शामिल हैं. क्वेश्चन सिक्स, हु इज द शेक्सपियर्स डॉग लेडी, शेक्सपियर की डॉग लेडी कौन है. एंड व्हाट अबाउट फेयर लॉर्ड इन हिज सोनेट्स, उसके सोनेट्स में फेयर लॉर्ड कौन है, फेयर लॉर्ड उसका दोस्त वो कौन है. 2016. क्वेश्चन सेवन, डिस्कस द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर विद द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट क्रिटिक्स ऑफ हिज. 2017. डिस्कस करें शेक्सपियर के सोनेट्स को क्रिटिक्स के रेफरेंस से, जो क्रिटिक्स क्रिटिसिज्म करते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स पर, जो बताते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट्स अच्छे या बुरे, तो उन क्रिटिक्स के रेफरेंस से आप डिस्कस करें. क्वेश्चन एट, हू आउट द ट्रायंगुलर लव इन शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट्स में ट्रायंगुलर यानी कि तीन एंगल वाला लव है, यानी शेक्सपियर, उसकी बिलवेड और शेक्सपियर का दोस्त, इन तीनों के दरमियान जो लव बॉन्ड बनता है ट्रायंगुलर लव कहते हैं, वो बयान कीजिए. 2016. क्वेश्चन नाइन, शेक्सपियर इज मोर जीनियस देन हिज क्रिटिक्स, कमेंट. 2015. शेक्सपियर अपने क्रिटिक्स से नकादों से जो तबसरा करते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स पर, शेक्सपियर उन क्रिटिक्स से ज़्यादा ज़हीन है. क्वेश्चन टेन, इलस्ट्रेट मेजर थीम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट्स के अंदर जो मेजर बड़े बड़े थीम्स हैं वो डिस्कस करें. 2017 US. देयर इज सिंगल आंसर ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस. दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. भुट्टा. आंसर, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर हम इंसान के जहन की जहानत की ताकत देखना चाहते हैं, वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर पढ़ना चाहिए. अगर हम इंसानी जहनी ताकत देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर पढ़िए कि शेक्सपियर का जहन कितना ताकतवर है. इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, अगर आप इंसान की इल्म हासिल करने की बेहूदगी को देखना चाहते हैं, इनसिग्निफिकेंस, गैर अहम होना, इंसान के सीखने के अमल की बेहूदगी को देखना चाहते हैं अगर आप, वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, तो हमें शेक्सपियर के क्रिटिक्स पढ़ने चाहिए कि कितना कम इल्म उनके पास और कितना कम सीखते हैं वो. विलियम हैजलिट ने कहा था ये, इस कोटेशन में कहा गया है, अगर आप इंसान की जहनी ताकत देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर पढ़ें, अगर आप इंसान के
सीखने के अमल की नाकामी देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर के क्रिटिक्स पढ़ें। शेक्सपियर के ऊपर जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनके कद छोटे हो जाते हैं। शेक्सपियर बहुत कद्दावर है। विलियम हैजलेट। विलियम शेक्सपियर हैज कंपोज्ड 154 सॉनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं विच वर कलेक्टेड टुगेदर। इनको इकट्ठा किया गया एंड पब्लिश्ड इन 1609 के अंदर इसे पब्लिश किया गया बाय थॉमस थोप। थॉमस थोप ने इसे पब्लिश कराया। 24 ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स आर अबाउट अ मिस्टीरियस वुमन। 24 सॉनेट्स एक पुरिसरार लेडी के बारे में है कॉल्ड डॉक लेडी। उसको डॉक लेडी का नाम दिया गया है। हिस्टोरियन ट्राइड टू ह्यू आउट हर। जो हिस्टोरियन क्रिटिक थे, जो तारीख लिखने वाले क्रिटिक थे, उन्होंने कोशिश की है कि देखा जाए ये डॉक लेडी कौन हो सकती है हिस्ट्री में। शी कैन बी मैरी फेटोन। ये मैरी फेटोन हो सकती है। कौन थी मैरी फेटोन? असिस्टेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। लूसी मॉर्गन हो सकती है। लूसी मॉर्गन कौन थी? मेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एमिलिया हो सकती है।